विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी जी कहाँ से आते हैं आप? न्यू उस्मानपुर से। न्यू उस्मानपुर से, ट्रांस यमुना से, यमुना पार से। क्यों आती हो, क्या कारण है आपका यहाँ आने का? बस अच्छा लगता है यहाँ पर आना। एक बार आए थे, बताया था किसी ने, तो फिर यहाँ पे आने लगे, अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो सब अपने जैसे मिलते हैं। क्या तो भावना लेके आती हैं आप यहाँ पर? एक महिला भावना तो कुछ नहीं लेके आई, मेरी कमर में दर्द था। हाँ। तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पर जाइएगा, आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। आई तो इस मकसद से थी, लेकिन अब मेरे को यहाँ पे अच्छा लगता है। तो हम 3 हफ्ते से लगातार आ रहा है। कमर का दर्द भी चला गया, घर की चिंताएं भी चली गई। घर की चिंता सब चली गई। 11 बजे पहुँचते हैं घर पे जाके रात को। बाप रे, बहुत अच्छी बात। ये तो इस तरीके से लग रहा है कि सर नहीं आप बैठेंगे आप बुजुर्ग नहीं 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 सर बैठेंगे आप। सर आपका नाम? इंद्र नारायण बंसल। बंसल जी, बंसल जी आपको कितनी एज हो गई? 68 करीब में चल रहा है। तो सर आप यहाँ किस लिए आते हैं, क्या है मकसद आपका आने का यहाँ? यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, और बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जो बगैर बताए हो जाते हैं। बगैर बताए हो जाते हैं, क्योंकि ये सुना है कि जो हमारे ये मोती मेहता जी हैं, ये मतलब इनके जो एक देखने की प्रक्रिया है, माथे को पढ़ते हैं कि इनके साथ क्या है, वो पहले से ही बता देते हैं। बताने की चीज़ अलग है जी, लेकिन अपने आप ही ऑटोमेटिकली काम हो जाते हैं जिसके बारे में। ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आप यहाँ आए हैं तो कहने से तो बहुत कुछ होता है, बगैर कहे काम हो जाते हैं। धन्यवाद। ज्योति जी, आप कहाँ से आए हैं? गीता कॉलोनी से। गीता कॉलोनी से। तो आप यहाँ किस पर्पज से आए हैं आप? पर्पज तो कुछ नहीं था, सालों पहले आना शुरू करा था। सालों पहले? हाँ जी। और फिर तब जब आते थे, आते ही रहे, यहाँ मन की शांति मिलती है। यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा ये काम हो जाए, आप पे आप ही सारे काम हो जाते हैं। मन की शांति? क्या सास लड़ती थी या घर में परिवार में झगड़ा होता था? कुछ भी नहीं, शादी से पहले आती थी। शादी से पहले? हाँ जी, शादी भी अंकल जी ने ही कराई है, सारा कुछ इन्होंने ही कराया है। मेरा जो कुछ भी है वो सब इन्होंने ही कराया है। प्रीति। प्रीति, प्रीति आप कहाँ से आई हैं? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से आई थी तू? हाँ जी। तो आप यहाँ क्या करने आई हैं, क्या मकसद है आपके यहाँ आने का? कोई ऐसा मकसद नहीं है, बट ये है कि यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे बस सब लोग बैठे होते हैं, अच्छे से कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी से नहीं है कि कोई मकसद नहीं है, मैं भी यहाँ अपना ये लेके आया हूँ, कोई मकसद लेके आया हूँ, मैं टेलीकास्ट करूँगा तो मेरा भी एक मकसद। कोई जरूरी नहीं, कोई मकसद हो तभी कुछ मिलता है। कुछ चीज़ें बिना बोलना बोला ही बिना सब कुछ करे मिल जाती है, तो यहाँ की यही अच्छी फीलिंग आती है। तो आपको यहाँ का किसने बताया कि यहाँ चांद चौक के अंदर ऐसी कटानील के अंदर ऐसी जगह है, वहाँ शांति मिलती है? मेरा पूरा घर परिवार, मेरे बहुत सारे नोन हैं जो दिल्ली में रहती है, मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है, बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स जो आते हैं, तो मैं उनसे कनेक्टेड हूँ और उनके थ्रू मेरा कनेक्शन है मेरा। लेकिन आप युवा हैं, युवाओं को तो ऐसी चीज़ों पर कोई अमल नहीं? ये जरूरी नहीं है, ये सब संस्कार होते हैं। ये युवा और बुजुर्ग होने से कोई संस्कार नहीं होते, ये आपके अंदर इन जो भी आपके इनबिल्ड है वो आपको पता चलता है। आप अपने आप कनेक्ट होते हैं, कोई वो ज़रूरी नहीं है कि आप बुजुर्ग हैं और युवा हैं तभी आप यहाँ आएंगे। अच्छे से भावना होनी चाहिए बस। आइए, अभी हमारे साथ हारमोनियम बजा रहे थे। आपका नाम? जी मैं विक्रम। विक्रम जी कहाँ से हैं आप? जी मैं दिल्ली यमुना पार करावल नगर से। करावल नगर से? जी सर। तो आप क्या करते हैं? जी सर मैं जॉब करता हूँ और संगीत में गुरु जी के आशीर्वाद से। गुरुजी के आशीर्वाद से? जी हाँ। भजनों में आपकी एक लत लग गई? लत लग गई बिल्कुल, भजन करने की। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे को भजन कीर्तन की लत लगी, ये भी गुरुजी का आशीर्वाद है। और ये हारमोनियम आपने कब सीखा था? हारमोनियम मैंने आज से 8 साल पहले सीखा था। 8 साल पहले? जी हाँ। तो मतलब आप जब भजन करते हैं और महिलाओं के बीच में इस तरीके से आप भगवान के भजन करते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, तो कैसा फील होता है आपको? जी बड़ा अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि आत्मा से परमात्मा को मिलना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी आत्मा साफ है, हम कहते हैं सच्चे दरबार कीजिए, जब तक अपना मन दरबार सच्चा नहीं करेंगे तब तक कोई भी दरबार सच्चा नहीं होगा। सीधी बात है, जब तक आप अपनी आत्मा को साफ नहीं करेंगे तब तक आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होगा। तो यहाँ हम इसलिए आते हैं कि हमारी आत्मा को साफ किया जाए। भजन ही भजन सुख के क्षण, यहाँ का जो स्लोगन है बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम भजन करते हैं तो 5 जो तत्व हैं इंसान को बर्बाद करने वाले, काम क्रोध मद लोभ मोह, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। प्राकृतिक चीज़ों से। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम विक्रम। विक्रम जी, विक्रम जी जैसे और आर्केस्ट्रा वगैरह के अंदर जो एक म्यूजिक होता है, और मैंने देखा है यहाँ सिर्फ 3 या 4 जो आप हारमोनियम है, ढोलक है, इसको क्या बोलते हैं? ये मजीरा है जी। मजीरा। और एक ये है, इनसे तो आपने ऐसा समा बांध देते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं पहली बार यहाँ, ये मैं 2-3 भजन आके सुने क्योंकि मैं रुकता नहीं हूं। जी हाँ बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि असली संगीत असली साज यही है। आजकल हम बड़े बड़े जागरणों में देख रहे हैं 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्चने के बाद भी आत्मा की शांति नहीं होती, क्योंकि वहाँ शोर है, डीजे बज रहा है, शोर शराबा है। संगीत गाना बजाना होता है दिल का सुकून का। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं और यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई है,
रही है, ढोलक बज रही है, भैया ढोलक बजा रहे हैं, मजीरा कीर्तन है, यही संत महंतों के द्वारा जो परंपरा चली आ रही थी वही परंपरा का हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो गुरु जी के परंपरा, गुरुजनों की परंपरा चली आई, अगर हम बच्चे उस परंपरा पर चले तो कभी हम मार नहीं खा सकते। आप सर अभी शायद ढोलक बजा रहे थे? जी बिल्कुल, ढोलक बजा रहा था जी। आपका नाम सर? प्रेम गुप्ता। गुप्ता जी, तो सर ये आप करते क्या है? मैं बिजनेस करता हूँ जी। बिजनेस? हाँ जी। और आपको इतना टाइम मिल जाता है सर ये ढोलक वोलक बजाने का? और बिजनेस में बड़ा टेंशन रहता है मामला? टेंशन कुछ नहीं रहती, सारी टेंशन यहाँ के खत्म हो जाती है। और ढोलक भी मैंने यहीं आके बजाना सीखा है। यहीं आके बिल्कुल जी। अगर आप ये यहाँ के अलावा और कहीं भी बजाने की इच्छुक रहेंगे? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। नहीं, जो आपका प्रोफेशन नहीं है? मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं सिर्फ यहीं आके बजाता हूँ। बहुत अच्छी बात, आपको एक सुकून मिलता है कि सारे दिन व्यस्त रहने के बाद में यहाँ आके। सर आपका नाम? मेरा नाम सुशील गुप्ता। सुशील गुप्ता जी, सर आप क्या करते हैं? मैं एक्शन शूज में परचेज मैनेजर हूँ जी। एक्शन शूज में परचेज मैनेजर हूँ। परचेज मैनेजर? तो सर आपका तो हर समय जी वो ध्यान ये रहता होगा मुझे क्या परचेज करना है, ढोलक पर थपकी कहीं मार लेंगे कहीं वो ऐसा जाता है, ऐसा लगता है? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं लगता जी। यहाँ आने के बाद जो शांति मिली है, जो एक सच्ची राह मिली है जीने की, मैं तो मौत के रास्ते पे जा रहा था जी, लेकिन मौत के रास्ते से गुरुजी ने ऐसी प्रेरणा दी कि जीने की कला सिखा दी। तूने मैं खाना निगाहों में छुपा रखा है, ओ शिवानों को भी दीवाना बना रखा। बड़ा कर्म है तेरा मुझ पर मेरे गुरुदेव, मुझ गुनहगार के ऐबों को छुपा रखा। बोलो गुरुदेव जी भगवान की जय। तू अगर चाहे तो कतरे का समुंदर कर दे, तू अगर चाहे भिखारी को सिकंदर कर दे, तू अगर चाहे तो गागर में भी सागर भर दे, तू अगर चाहे तो बंजर में भी उपवन कर दे, क्योंकि दर तेरा रहमतों का वो खजाना जो कभी कम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत उसे कभी गम नहीं होता। गुरु जी का नाम लेने से मिट जाता है हर भय, एक बार सब प्रेम से बोलो गुरु महाराज की जय। आज भी कर सारे भजन जय भजन के क्षण के माध्यम से इस ग्रुप द्वारा माता बादल को संकीर्तन कर रहे हैं। और गुरुजी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक यही कह रहे हैं कि बाबा इतनी कृपा बनाए रखना जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरे तन में सांस है, इस हृदय में धड़कन है, तब तक मैं आपका स्मरण ना भूलूं और आपको ही याद करता रहूं। मिलकर कहिए गुरु जी भगवान की जय। इतनी कृपा गुरु पर जी बनाए रखना, इतनी कृपा गुरु पर जी बनाए Thank you.
I'm not.